दर्शन से हो शांत विदा, दर्शन श्री जिन देव सूर्य संसार तिमिर का करता नाश, बोधि प्रदाता चित पद्म को सकल अर्थ का करे प्रकाश, दर्शन श्री वारिधि को विकसाता, सकल तत्व के प्रतिपादक सम्यक्त्व आदि गुण के सागर, शांत दिगंबर रूप नमु देवाधि देव तुमको जिनवर, चिदानंदमय एक रूप वंदन जिनेन्द्र परमात्मा को, हो प्रकाश पर पूजा पीठिका। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अरहंतों को नमस्कार है, सिद्धों को सादर वंदन, आचार्यों को नमस्कार है, उपाध्याय को है वंदन, और लोक के सर्व साधुओं को है विनय सहित वंदन, पंच परम परमेष्ठी प्रभु को बार बार मेरा वंदन। ओम ह्रीं श्री अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः, परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। मंगल चार चार हैं उत्तम, चार शरण में जाऊं मैं, मन वच काय त्रियोग पूर्वक शुद्ध भावना भाऊं, श्री अरहंत देव मंगल है, श्री सिद्ध प्रभु है मंगल, श्री साधु मुनि मंगल है केवल कथित धर्म मंगल, श्री अरहंत लोक में उत्तम, सिद्ध लोक में है उत्तम, साधु लोक में उत्तम है के
अरहंत शरण में जाऊं, सिद्ध शरण में मैं जाऊं, साधु शरण में जाऊं, केवल कथित धर्म शरण। ओम नमो रते स्वाहा पुष्पांजलिं क्षिपेत। अपवित्र हो या पवित्र, जो नमोकार को ध्याता है, चाहे सुस्थित हो या दुस्थित, पाप मुक्त हो जाता है। हो पवित्र अपवित्र दशा कैसी भी क्यों नहीं हो जन की, परमात्म का ध्यान किए हो अंतर बाहर शुचि उनकी। हे अजेय विघ्नों का हरता प्रमोकार यह मंत्र महा, सब मंगल में प्रथम सुमंगल श्री जिनवर ने कहा। सब पापों का है क्षय कारक मंगल में सबसे पहला, नमस्कार या नमोकार यह मंत्र जिना। अर हम ऐसे परम ब्रह्म वाचक अक्षर का ध्यान करूं, सिद्ध चक्र का सद बीजाक्षर मन वच काय प्रणाम करूं, अष्ट कर्म से रहित मुक्ति लक्ष्मी के घर श्री सिद्ध नमो, सम्यक्त्वादि गुणों से संयुत तिन्हें ध्यान धर कर्म वमु। जिनवर की भक्ति से होते विघ्न समूह अंत जानो, भूत शाकिनी सर्प शांत हो विष निर्विष होता मानो, भूत शाकिनी सर्प शांत हो विष निर्विष होता मानो। पुष्पांजलिं क्षिपेत। मैं प्रशस्त मंगल गानों से युक्त जिनालय माही अजू, जल चंदन अक्षत प्रसून चरु, दीप धूप फल अर्घ्य सजू। ओम ह्रीं श्री भगवज्जिन सहस्र नामेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। स्याद्वाद वाणी के नायक श्री जिन को मैं नमन कराय, चार अनंत चतुष्टय धारी जगत के ईश मनाए, मूल संघ के सम्यक दृष्टि उनके पुण्य कमावन काज, करु जिनेश्वर की यह पूजा धन्य भाग्य है मेरा आज। तीन लोक के गुरु जिन पुंगव महिमा सुंदर उदित हुई, सहज प्रकाश मई दृग ज्योति जग जन के हित मुदित हुई, समव शरण का अद्भुत वैभव ललित प्रसन्न करी शोभा, जग जन का कल्याण करे अरुक्षेम कुशल हो मन लोभा, निर्मल बोध सुधा सम प्रकटा स्वपर विवेक करावन हार, तीन लोक में प्रथित हुआ जो त्रिजग प्रगटावन हार, ऐसा केवल ज्ञान करे कल्याण सभी जगती तल का, उसकी पूजा रचूं आज मैं कर्म बोझ करने हलका, द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि दोनों विधि का अवलंबन कर, करूं यथार्थ पुरुष
पुरुष की पूजा मन वचतन एकत्रित कर। पुरुष पुराण जिनेश्वर अरहन एकमात्र वस्तु का स्थान। उसकी केवल ज्ञान वंदी मैं करूं समस्त पुण्याभान। उसकी केवल ज्ञान वंदी मैं करूं समस्त पुण्याभान। ओम यज्ञ विधि प्रतिज्ञायै जिन प्रतिमाग्रे परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। स्वस्ति मंगल पाठ। ऋषभ देव कल्याण कराय अजित जिनेश्वर निर्मल थाय। स्वस्ति करे संभव जिन राय अभिनंदन के पूजो पाय। स्वस्ति करे श्री सुमति जिनेश पद्म प्रभ पद पद्म विशेष। श्री सुपार्श्व स्वस्ति के हेतु चंद्र प्रभ जन तारण सेतु। पुष्प दंत कल्याण सहाय शीतल शीतल ता प्रगटाय। श्री श्रेयास स्वस्ति के श्वेत वासु पूज्य शिव साधन हेत। विमल नाथ पद विमल कराय श्री अनंत आनंद बताय। धर्मनाथ शिव शर्म कराय शांति विश्व में शांति कराय। कुंथ और अर्जिन सुख रास शिव मग में मंगलमय आश। मल्ली और मुनि सुव्रत देव सकल कर्म क्षय कारण एव। श्री नमी और नेमि जिन राज करे सुमंगलमय सब काज। पार्श्वनाथ देवी समयेश महावीर वंदो जगदीश। ये सब चौबीसो महाराज करे भव्य जन मंगल काज। मैं आयो पूजन के काज राखो श्री जिन मेरी लाज। राखो श्री जिन मेरी लाज। राखो श्री जिन मेरी लाज। पुष्पांजलिं क्षिपेत। बोलिए अंतर मुद्रा में सर्वजनेन्द्र भगवान की जय हो। बोले पंच बाल यति जिनेन्द्र भगवान की जय हो। बोलिए रत्नत्रय जिनेन्द्र भगवान की जय हो। बोले अष्टानिका महापर्व की जय हो। सभी सादरमी भाइयों और बहनों, कार्तिक अष्टानिका वीर निर्वाण के पश्चात तत्काल यह अष्टानिका प्रतिवर्ष आती है। दिगंबर सनातन जैन दर्शन की परंपरा में तीनों अष्टानिकाएं हम आप लोग महापर्व की तरह उत्सव के रूप में मनाते हैं। पर्वादिराज दश लक्षण महापर्व तो मनाते ही हैं, आराधना के पर्व हैं। इसी प्रकार अष्टमी और चतुर्दशी ये भी हम आप लोगों के लिए पर्व के ही दिन हैं और सभी तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणकों के प्रसंगों को भी हम आप लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं। यहाँ अभी हम आप लोग कार्तिक अष्टानिका के अंतर्गत आज से एक नया विधान, एक नई रचना, एक नई कृति के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं। हम आप लोगों के मुमुक्षुओं के आत्मार्थी जीवों के जीवन में जिनागम के स्वाध्याय अध्ययन का और उनकी अवगाहना का अपना एक अलग ही महत्व है। ऐसे में समग्र जिनागम को तो हम आप लोग नहीं समझ पाए, नहीं पढ़ पाए, लेकिन जितनी भी कृतियाँ, जितने भी शास्त्र हम आप लोगों को उपलब्ध हैं उनका यथाशक्ति हम आप लोगों को ज़रूर ज़रूर स्वाध्याय करना चाहिए, उतना हमें करनी चाहिए।
क्योंकि इस पंचम काल में भव्य जीवों के लिए नित्य बोधिनी माँ जिनवाणी के अलावा और कोई आलंबन है नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री जो कहा करते थे, दो चार घंटे तो हमें जरूर स्वाध्याय करना चाहिए। तो चलिए ऐसे महापुरुषों की ऐसी अपूर्व उक्तियों को हम आप लोग सार्थक करने के लिए, अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए आज से एक अपूर्व, छोटा सा है अपने आप में विधान, लेकिन अपूर्व सिद्धांत से भरा हुआ विधान है, जिसमें हम आप लोग देखते हैं अध्यात्म की गंगा भी है तो भक्ति की यमुना भी भरी हुई है और सिद्धांत की सरस्वती भी है। कहने का मतलब ये है, अध्यात्म, भक्ति और सिद्धांत, इन तीनों का त्रिवेणी संगम अर्थात स्वरूप संबोधन विधान। स्वरूप संबोधन नाम की छोटी कृति है जिसकी रचना 7वीं शताब्दी के बहुत बड़े आचार्य, न्याय के प्रचारक और प्रसारक आचार्यों में माने जाते हैं, बहुत बड़े दार्शनिक विद्वान के रूप में जिनकी विद्वत्ता समाज में प्रतिष्ठित हुई और अन्य मतों को जिन्होंने अपने दार्शनिक चिंतन से परास्त किया, ऐसे आचार्य अकलंक देव की रचना स्वरूप संबोधन स्तोत्र एक स्तोत्र साहित्य है, स्तोत्र कृति है, जिनमें अनेकांत में वस्तु व्यवस्था का चिंतन बखूबी प्रस्तुत किया गया है। उस मूल कृति के आधार से आदरणीय पवैया जी ने बहुत सुंदर काव्यमयी विधान बनाया है। तो हम आप लोग आगामी 8 दिनों के लिए आज से प्रारंभ करके 8वें दिन हम आप लोग पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान के बाद जो अपना विशेष दैनिक स्वाध्याय होगा, उस स्वाध्याय में इसी विधान के आधार से, इसी स्वरूप संबोधन कृति के आधार से हम आप लोग बारीकाई से स्वाध्याय भी करेंगे और इस कृति और विधान के माध्यम से एक स्वतंत्र ग्रंथ का आद्योपांत पारायण करेंगे। तो चलिए, प्रस्तुत है स्वरूप संबोधन स्तोत्र विधान। एक बार हम आप लोग जयकारा करेंगे, बोले अष्टानिका महापर्व की जय हो। चलिए, प्रस्तुत है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह कृति प्रस्तुत हो रही है। अब क्रमशः हम आप लोग, प्रथम दिवस है मंगलाचरण, पीठिका और स्वरूप संबोधन स्तोत्र की समुच्चय पूजा और 2 से 3 श्लोक जो कारिका के रूप में है उनका भी अध्ययन स्वाध्याय हम आप लोग यहाँ अभी प्रारंभ करते हैं। देखिए, विधान का सबसे प्रथम मंगलाचरण हम आप लोग यहाँ प्रस्तुत करते हैं। मंगलम सिद्ध परमेष्ठी मंगलम तीर्थंकरम मंगलम शुद्ध चैतन्यम आत्मधर्मोस्तु मंगलम मंगलम आदिनाथाय मंगलम जिनशासनम मंगलम मोक्षमार्गाय आत्मज्ञान सुमंगलम मंगलम तीर्थंकरादिक सर्वगणधर मंगलम मंगलम ऋषि साधु निर्मल ध्यान धारी मंगलम वीतराग श्री जिनेन्द्र ज्ञान रूप मंगलम गणधरादि सर्व साधु ध्यान रूप मंगलम आत्मधर्म सार्वधर्म विश्वधर्म मंगलम वस्तु का स्वभाव ही अनाद्यनंत मंगलम आत्मधर्म सार्वधर्म विश्वधर्म मंगलम
वस्तु का स्वभाव ही अनाद्य अनंत मंगलम। जयति पंच परमेष्टि जिन प्रतिमा जिन धाम, जय जगदम्बे दिव्य ध्वनि श्री जिन धर्म प्रणाम। पीठी का प्रारंभ करते हैं। पूर्व भूमिका, थोड़ा सा सामान्य परिचय इसमें प्रस्तुत किया गया है और इस विधान के अनुसंधान में बहुत सुंदर भाववाही प्रस्तुति है। उत्तम स्वरूप संबोधन अकलंक देव की कृति है, सर्वज्ञों की दिव्य ध्वनि की ही यह लघु आवृत्ति है। ध्यान की महिमा है आत्म ध्यान की महिमा, किस में पावन कथनी है, शुद्ध स्वानुभव रस से भरपूर सुपावन मथनी है। वीतराग अरहंतों का ही उपदेश सुहावन, भव्यों को मंगलमय है, ज्ञानी जन को मन भावन। जो इसे ध्यान में लेता कल्याण प्राप्त करता है, आनंद समुद्र हृदय में पाता, भव दुख हरता है। एक सहस वर्ष के पहले यह रचना की मुनिवर ने, आगम का सार लिखा है अकलंक देव ऋषिवर ने। कल्याण करें सब अपना, काटें कर्मों के बंधन, उद्देश्य यही है इसका, यह है स्वरूप संबोधन। इस पर विधान की रचना का भाव हृदय में आया, तूलिका उठाते ही तो आनंद हृदय में छाया। हो गया त्वरा से पूरा, अथ से इति तक मंगलमय, विधि पूर्वक इसे करूँगा अथ से इति तक निज सुखमय। अब यह विधान करता हूँ, प्रार्थना सुनो प्रभु मेरी, सब दोष क्षमा कर देवे, है विनय यही प्रभु मेरी। यह है स्वरूप संबोधन, भव्यों को अति सुखकारी, यह मंगल कार्य सफल हो, यह है प्रार्थना हमारी। यह मंगल कार्य सफल हो, यह है प्रार्थना हमारी। कुंद कुंद आचार्य को वंदो बारंबार, श्री अकलंक आचार्य का है महान उपकार। अति मंगलमय शास्त्र है संबोधन स्वस्वरूप, यह विधान करके प्रभो निरखूं आत्मस्वरूप। भाव भासना के बिना कैसे हो कल्याण,
करूं भाव श्रुत ज्ञान अब पाऊं सम्यक ज्ञान, पाऊं सम्यक ज्ञान। यह स्वरूप संबोधन शास्त्र ज्ञान का सागर, भट्ट श्री अकलंक देव की रचना शिव कर। यह स्वरूप संबोधन शास्त्र ज्ञान का सागर, भट्ट श्री अकलंक देव की रचना शिव कर। कन्नड़ टीका महादेव पंडित कृत सुंदर, संस्कृत टीका केशव वर्य रचित है मनहर, और अनेक अन्य टीका भी जब मिल जाती, जिनको पढ़कर कली हृदय की खिल खिल जाती। इसका सार समझ कर निज का निर्णय कर लूं, ज्ञान भावना भाने का ही निश्चय कर लूं। लोकालोक प्रकाशकत्व गुण आत्मा में है, सर्वगतत्व स्वगुण भी सुंदर आत्मा में है। एकानेक स्वरूपी आत्मा दृष्टा ज्ञाता, नित्यानित्यात्मक स्वरूप आगम विख्याता। निज स्वभाव का आश्रय ले जो निज को ध्याता, मुनि सर्वोदय निष्ठ संयमित हो कर पाता। गाथा टीका शब्द अर्थ सब जानो स्वामी, स्वरूप संबोधन से जानो निज पद में नामी। परम प्रभावी अति लघु काय ग्रंथ यह पावन, महामनीषी श्रीमद की कृति यह मन भावन। आध्यात्मिक जिनकी रुचि है वे इसे पढ़ेंगे, मोक्ष मार्ग पर निसंकोच सदैव बढ़ेंगे। आध्यात्मिक जिनकी रुचि है वे इसे पढ़ेंगे, मोक्ष मार्ग पर निसंकोच सदैव बढ़ेंगे। देखिए, अध्यात्म प्रेमी और आत्म हितेच्छु संवेदनशील जीव यदि होगा, तत्व रुचि वाला जीव होगा, वह इसे जरूर पढ़ेगा। अकलंक देव की स्वरूप संबोधन की रचना इसे जरूर पढ़ेगा, कवि पवैया जी कह रहे हैं, और निस्संकोच ऐसे सत्पात्र जीव मोक्ष मार्ग में जरूर जरूर हमेशा बढ़ते रहेंगे। इस प्रकार की पीठिका में उन्होंने हम आप लोगों को उद्बोधन किया। अब आगे बढ़ते हैं हम आप लोग। तत्व के चिंतन मनन अभ्यास में तत्पर रहो, बार बार स्वरूप संबोधन पढ़ो निज में बहो। परेशह उपसर्ग आए तो ने सम हो सहो, आत्मा से करो चर्चा और कुछ चर्चान हो। आत्मा से करो चर्चा और कुछ चर्चान हो। कितनी सुंदर बात पवैया जी ने कही। तत्व का चिंतन, तत्व का मनन और तत्व के अभ्यास में निरंतर
तत्पर बने रहो, स्वरूप संबोधन ग्रंथ पढ़ो और स्वस्वरूप भगवान आत्मा को स्वयं संबोधित करते रहो। बाहर की उदय की विचित्रता परिशह के रूप में, उपसर्ग के रूप में जरूर आएंगी, उन्हें शांत समता भाव से सहो और आत्मा की ही चर्चा विचारणा करो और अन्य कोई भी चर्चा न करो। ऐसी सुंदर प्रेरणा हम आप लोगों को दी है। आगे का छंद पढ़ते हैं। मैं चेतन ज्ञायक हूँ, मुझ में ही रहता हूँ। मैं चेतन ज्ञायक हूँ, मुझ में ही रहता हूँ। आत्मभावना भाऊं भव्य ज्ञान प्राप्ति का है मंतव्य। भूलन जाओ निज कर्तव्य, निर्मल है मेरा जीतव्य। मैं अबद्ध अस्पृष्ट नियत, मैं अनन्य अविशेष स्वरत। मेरा शाश्वत शुद्ध स्वभाव, पर भावों का सदा भाव। दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप, द्रव्य त्रिकाली त्रिभुवन भूप। मैं न कहीं से भी विद्रूप, मैं तो हूँ चेतन चिद्रूप। मैं न कहीं से भी विद्रूप, मैं तो हूँ चेतन चिद्रूप। स्व संबोधन स्वरूप संबोधन स्तोत्र है, तो स्व का क्या स्वरूप है? समय सार ग्रंथादिराज की 14वीं और 15वीं गाथा के आधार से बहुत सुंदर और संक्षेप में पवैया जी ने स्वरूप का कथन किया। अब आगे हम आप लोग बढ़ते हैं श्री स्वरूप संबोधन विधान के अंतर्गत प्रथम स्वरूप संबोधन की पूजा प्रारंभ करते हैं। चतुर गति के भ्रमण में ही रत रहा दुर्भाग्य से, आज शास्त्र स्वरूप संबो धन मिला है भाग्य से। आत्महित की बात इसमें लिखी मुनि अकलंक ने, पंच परिवर्तन कराए सदा कर्म कलंक ने। सुविधि कर्म कलंक नाशक बताई मुनिराज ने, आत्मा को जगा डाला आज निज हित काज ने। तुव कृपा से आत्मा का ज्ञान पाओ मुनीश्वर, गुण अनंत अपार प्रगटा बनू मैं निज ईश्वर। करूँ आज स्वरूप संबोधन विधान महान, यह विनय से पूजन करूँ मैं श्रेष्ठ भाव प्रधान यह। ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वित श्री जिनागमाय अत्र अवतर अवतर संषडावारणम। ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वित श्री जिनागमाय अत्र तिष्ठ तिष्ठ टटैति स्वस्थापनम। ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वित श्री जिनागमाय अत्र मम सन्नीतो भो भो वषट सन्निधिकरणम। परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत। मैं सभी सादरमी भाइयों और बहनों से
जरूर एक यहाँ जिज्ञासा प्रस्तुत करना चाहूँगा। सारा जिनागम सिवाय स्वरूप संबोधन के और है ही क्या? केवल और केवल नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, केवल और केवल अपने आत्म संबोधन के लिए, स्वरूप संबोधन के लिए ही सारा जिनागम है। दुनिया को समझाने के लिए, दुनिया को कहने के लिए, कह सुनाने के लिए जिनवाणी जिनागम नहीं है। केवल और केवल संबोधन यदि करने लायक कोई है तो स्व है। इसलिए इस विधान का भी नाम और अकलंक देव ने इस मूल कृति का भी नाम रखा है स्वरूप संबोधन। चलिए प्रारंभ करते हैं, अब आगे हम आप लोग पूजा। निज आत्म तत्व का महिमा मय सम्यक जल प्रभुलाऊं, त्रय व्याधि सर्वता नाशों, आनंद अतीन्द्रिय पाऊं। अकलंक देव के द्वारा विरचित स्वरूप संबोधन, सुनकर निज ज्ञान करूं मैं, काटूं कर्मों के बंधन। ओम रीम श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जिनागमाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामीति स्वाहा। निज आत्म तत्व का महिमा मय चंदन शीश लगाऊं, संसार ताप ज्वर वर्धक रागों का राग भगाऊं। अकलंक देव के द्वारा विरचित स्वरूप संबोधन, सुनकर निज ज्ञान करूं मैं, काटूं कर्मों के बंधन। ओम रीम श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जिनागमाय संसारता विनाशनाय चंदनम निरुपामीति स्वाहा। निज आत्म तत्व के महिमा मय अक्षत चरण चढ़ाऊं, अक्षय पद प्राप्त करूं मैं, अविनश्वर सुख प्रगटाऊं। अकलंक देव के द्वारा विरचित स्वरूप संबोधन, सुनकर निज ज्ञान करूं मैं, काटूं कर्मों के बंधन। ओम रीम श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जिनागमाय अक्षय पद प्राप्त ये अक्षता निरुपामीति स्वाहा। निज आत्म तत्व के महिमा मय पुष्प आज मैलाऊं, कामाग्नि बुझाऊं तत्क्षण, प्रभु महाशील गुण पाऊं। अकलंक देव के द्वारा विरचित स्वरूप संबोधन, सुनकर निज ज्ञान करूं मैं, काटूं कर्मों के बंधन। ओम रीम श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जिनागमाय काम्बान्विध्वंसनाय पुष्पम निरोपामीति स्वाहा। निज आत्म तत्व के महिमा मय अनुभव रस चरुलाऊं, इस क्षुधा रोग को नाशों, परिपूर्ण तृप्त हो जाऊं। अकलंक देव के द्वारा विरचित स्वरूप संबोधन, सुनकर निज ज्ञान करूं मैं, काटूं कर्मों के बंधन। ओम रीम श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जिनागमाय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामीति स्वाहा। निज आत्म तत्व की महिमा मय दीप ज्योति ही लाऊं, मोहांधकार को नाशों, कैवल्य ज्ञान प्रगटाऊं।
अकलंक देव के द्वारा विरचित स्वरूप संबोधन सुनकर निज ज्ञान करूं मैं काटूं कर्मों के बंधन। ओम रीम श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जिनागमाय मोहांकार विनाशनाय दीपम निरुपामीति स्वाहा। निज आत्म तत्व की महिमा मय धूप सुगंधित लाऊं आठों कर्मों को नाशों निष्कर्म अवस्था पाऊं। अकलंक देव के द्वारा विरचित स्वरूप संबोधन सुनकर निज ज्ञान करूं मैं काटूं कर्मों के बंधन। ओम रीम श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जिनागमाय अष्टकर्म विनाशनाय धूपम निरोपामीति स्वाहा। निज आत्म तत्व के महिमा मय फल ही तुम्हें चढ़ाऊं फल महामोक्ष ध्रुव पाऊं शिव पथ पर चरण बढ़ाऊं। अकलंक देव के द्वारा विरचित स्वरूप संबोधन सुनकर निज ज्ञान करूं मैं काटूं कर्मों के बंधन। ओम रीम श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जिनागमाय मोक्ष फल प्राप्त ये फलम निरोपामीति स्वाहा। निज आत्म तत्व के महिमामय अर्घ्य महान सजाऊं पाऊं अनर्घ्य पद अपना निज सिद्ध स्वपद प्रगटाऊं। अकलंक देव के द्वारा विरचित स्वरूप संबोधन सुनकर निज ज्ञान करूं मैं काटूं कर्मों के बंधन। ओम रीम श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जिनागमाय अनर्घ्य प्राप्ते अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। महार्घ लेंगे। मोह का विनाश हुआ हो गया प्रकाश मिथ्यात्व नाश हुआ हो गया है विकार। गढ़ सभी विभाव के हो गए हैं ध्वस्त चेतन ने पाया स्वभाव का है निवास। निज परिणति की आज आई है गंध पाई है स्वानुभव मई निज सुवार। जागा स्वरूप आचरण हो गया सजग पाया है चैतन्य आत्मा का वार। बज उठी है धुंधुबिया ज्ञान भाव की कैवल्य ज्ञान आया आत्मा के पास। सर्व बंध नष्ट हुए मोक्ष सुख मिला आत्मशक्ति से मिला है शुद्ध निजाकाश। महाअर्घ्य अर्पित है विनय भाव से भव देह भोगों से हो गया उदास। भव देह भोगों से हो गया उदास। देखिए महाअर्घ्य जो है इसका समुच्चय पूजन के अंतर्गत अर्घ्य चढ़ाने से पहले इन पंक्तियों की तरफ हम आप लोग ध्यान दें। महाअर्घ्य अर्पित करूं महाअर्घ्य अर्पित है विनय भाव से। हे जिनेन्द्र भगवान हम विनय पूर्वक महाअर्घ्य समर्पित करते हैं और कैसी परिणति हो हमारी भव देह और भोगों से संसार शरीर और भोगों से अब हम उदास होते हैं। बनासीदास जी साहब ने कहा है दास भगवंत के उदास रहें जगत सो सुखिया सदैव ऐसे जीव समकीति हैं। हम भी अपने जीवन में
अपने आत्म संबोधन, स्वरूप संबोधन के प्रयोजन की सिद्धि के लिए हम संसार, शरीर और भोगों से उदास होते हैं और अपनी स्वरूप की आराधना में लीन होते हैं। ऐसी सुंदर भावना भाई है। हम आप सभी सादरमी भाई बहनों इसी मंगलमय प्रयोजन की प्रसिद्धि के अर्थ इस कार्तिक अष्टानिका के अंतर्गत इस विधान का यहाँ आयोजन किया है। ओम रीम श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जनागमाय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। चलिए हम आप लोग जयमाला प्रारंभ करते हैं। सातों भयों से रहित, निर्भय और निशंक होकर के अपने स्वरूप के संबोधन के साथ आत्मकल्याण में आगे बढ़ने की और बढ़ते रहने की प्रेरणा इस जयमाला के अंतर्गत कवि ने दी है। प्रारंभ करते हैं हम आप लोग। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। सप्त भयों को निर्वासित कर रक्षित हो निज स्वभाव से। शुद्ध आत्मा की प्रतीति ही जोड़ूं अपने शुद्ध भाव से। मोह राग द्वेषादिक चारों ही कषाय क्षय कर डालूंगा मैं। अब नरंच भी संबंधित हो ऊंगा मैं दुखमय विभाव से। यथाख्यात की ज्योति जगाकर श्रेणी क्षपक चढ़ूंगा मैं तो। निज अरहंत दशा पाऊंगा चार घातिया के अभाव से। फिर अघातिया चार स्वयं ही आयु अंत में विलय पाएंगे। पीछा छूटेगा मेरा इस भव समुद्र की आव जाव से। सादि अनंतानंत काल प्रभु सुख सागर में मग्न रहूंगा। फिर न कभी घायल होऊंगा एक समय भी कर्म घाव से। श्रुत स्वरूप संबोधन द्वारा आत्म ध्यान का अवसर पाया। अब तो अंतिम दाव चलूंगा चूकूंगा क्यों श्रेष्ठ दाव से। चूकूंगा क्यों श्रेष्ठ दाव से। ओम रीम श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जिनागमाय जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। देखिए जयमाला का हम आप लोगों ने अभी पाठ किया। पहली पंक्ति में बहुत सुंदर एक शब्द आया, मैं थोड़ा सा आप लोगों को उसका अर्थ यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सप्त भयों को निर्वासित कर रक्षित होऊं निज स्वभाव से। ये निर्वासित करने का क्या मतलब होता है? ये निर्वासित ये शब्द का क्या भाव है? देखिए मुझे जो भाव भाषण हो रहा है इस शब्द का, मैं ये समझता हूँ इंग्लिश में हम आप लोग जैसे विदेशी लोग होते हैं, चाहे वो अमेरिका के हों, लंदन यूरोप कंट्री के हों, अदर कंट्री के जो इंडिया में आते हैं, भारत में आते हैं, उनको हम आप लोग एक विशेष नाम से जानते हैं, एन आर आई, जो यहाँ के राष्ट्रीयता उन्हें प्राप्त नहीं होती है। मतलब यहाँ के लिए वे निर्वासित हैं, वो यहाँ के नहीं हैं, वो अन्यत्र के हैं। अरे अनादिकाल से सात भय, चार कषाएँ
अपने घर के मेहमान बन करके अपने चित्त में हैं, आत्म प्रदेशों में हैं, यहाँ अब प्रतिज्ञा कर रहे हैं, अब हम उन्हें एनआरआई बना देते हैं, निर्वासित कर देते हैं, उनको हम यहाँ से निकाल देते हैं, क्योंकि सात भय पांच पाप इत्यादि जो विकार भाव हैं, यदि ये हमारे घर में रहेंगे तो हमारे घर को, हमारी परिणति को खोखला बना देंगे, इसलिए हम लोग इनको निकाल फेंकते हैं, निकाल दूर करते हैं। इस प्रकार से यहाँ बहुत सुंदर भावना भाई हैं, और अंत में एक दो पंक्तियों में भी बहुत मर्म है, उसकी बात आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए अंतिम दो पंक्तियां हैं, श्रुत स्वरूप संबोधन द्वारा, श्रुत स्वरूप, श्रुत ज्ञान स्वरूप कहो अथवा शास्त्र के रूप में कहो, ये जो स्वरूप संबोधन है ये श्रुत ज्ञान से भरा हुआ है। श्रुत स्वरूप संबोधन द्वारा आत्म ध्यान का अवसर पाया, मैंने अपने स्वरूप का, स्वरूप के ध्यान का अवसर मैंने पाया, अब तो अंतिम दाव चलूंगा, बस ये अंतिम दाव मैं चलूंगा, और पूरा विश्वास है मैं कभी भी चूकूंगा नहीं, इस प्रकार की इसमें भावना की है। मुझे इन पंक्तियों को पढ़ते हुए सागर धर्मामृत जो हम आप लोगों ने अभी विगत तीन चार दिनों से विशेष स्वाध्याय लिया है, उस ग्रंथ के अंतर्गत व्यवहार आराधना के प्रकरण के बाद दूसरे अध्याय के अंतर्गत एक 91 नंबर का श्लोक पंडित आशाधर जी साहब ने लिखा है, उसमें ये लिखा है, निश्चय आराधना की सिद्धि के लिए मुझे क्या करना चाहिए, परमार्थ सिद्धि के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो इतनी बढ़िया बात लिखी है, श्रुतस्कंदस्य वाक्यम वा पदम वा अक्षरमेव वा, श्रुतस्कंदस्य वाक्यम वा पदम वा अक्षरमेव वा यत किंचित रोचते, यत किंचित रोचते तत्र आलम्ब्य चित्तलयम नय। बहुत सुंदर अर्थ है इसका, श्रुतस्कंदस्य वाक्यम वा, ये जो श्रुतस्कंद है द्वादशांगमयी जो जिनागम है जिनवाणी है, इस श्रुतस्कंद का वाक्यम, एक वाक्य हो तो वाक्य को पढ़ो, यदि वाक्य को नहीं पढ़ पाते हो तो पद, एक पद को पढ़ो, यदि एक पद भी नहीं पढ़ पाते हो अक्षरमेव वा, एक अक्षर को तो पढ़ो, अरे शक्ति होवे तो समग्र शास्त्र को पढ़ो, यदि शक्ति नहीं है तो कम से कम जिनागम का एक वाक्य पढ़ो, यदि वाक्य पढ़ने के लिए भी फुर्सत नहीं है तो कम से कम एक पद पढ़ो, बराबर एक पद नहीं पढ़ पाते हो तो कम से कम एक अक्षर तो पढ़ो। लेकिन पंडित आशाधर जी कहते हैं आगे, यत किंचित रोचते, जो भी तुझे रुचे, जो भी तुझे अच्छा लगे, एक अक्षर रुचे तो एक अक्षर पढ़ो, एक वाक्य रुचे तो एक वाक्य पढ़ो, और यदि एक पद यदि सुहाता होवे तो पद पढ़ो, शास्त्र रुचे तो शास्त्र पढ़ो, तत्र आलम्ब्य, उस वाक्य का, उस पद का, उस अक्षर का आलंबन लेकर के चित्त लयम नय, अपने चित्त को, अपने मन को शांत करो, अंतकरण की एकाग्रता को साधो। क्या गजब की बात है, श्रुतस्कंदस्य वाक्यम वा पदम वा अक्षरमेव वा यत किंचित रोचते तत्र आलम्ब्य चित्तलयम नय। तो ऐसी बात है, जब हम आप लोग जिनागम का अध्ययन स्वाध्याय करते हैं तो भाई थोड़ा होना चाहिए लेकिन सच होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, पूज्य गुरुदेव श्री ने जो हम आप लोगों को कहा है, इस प्रकार का उपदेश हम आप लोगों को समझना चाहिए। ओम रीम श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जिनागमाय जय माला पूर्णार्यम निरुपामीति स्वाहा। निज स्वभाव के ज्ञान बिन पाए कष्ट अपार, अब ऐसा प्रभु कीजिए हो जाऊं भव पार। स्वरूप संबोधन सुनो निरखो आत्मस्वरूप, आप कृपा से प्राप्त हो
चिदानंद चिद्रूप, चिदानंद चिद्रूप। चलिए अब हम आप लोग अर्घ्यावली के अंतर्गत एक एक करके एक एक श्लोकों के माध्यम से हम आप लोग अर्घ्य समर्पित करेंगे। खास बात ये समझिए आप सभी कि एक तो इस ग्रंथ के दो टीकाकार उपलब्ध होते हैं, जैसे पीठिका में हम आप लोगों ने पढ़ा था, उनके नाम भी उसमें दिए थे। कन्नड़ की भी इसकी एक ओरिजिनल टीका मिलती है, केशव वर्णी ने उसकी टीका लिखी है, और एक खूबचंद सिद्धांत शास्त्री हुए, उन्होंने भी संस्कृत की बड़ी अच्छी टीका लिखी है। हम आप लोग जो विशेष स्वाध्याय लेंगे तब उस टीका के आधार से बहुत गहराई से हम आप लोग अध्ययन चिंतन मनन जरूर करेंगे। अभी तो एक केवल सांकेतिक भाषा में मूल श्लोक, मूल श्लोकों का भावानुवाद पद्य और उसके ऊपर के सामान्य अर्थ और मंत्र और बीज मंत्र, हर एक श्लोक का भी यहाँ बीज मंत्र दिया गया है, उसके माध्यम से हम आप लोग आराधना करते हैं। प्रथम दिन है और केवल प्रारंभ के दो ही श्लोक हम आप लोग लेंगे, क्योंकि समय की काफ़ी अपने पास मर्यादा है, इसलिए बढ़ते हैं बिना किसी विलंब के आगे। शुद्ध चैतन्य पिंडाय सिद्धाय सुख संपदे विमलागम साराय नमोस्तु परमेष्ठिने। ये टीकाकार का मूल संस्कृत का श्लोक था, उसका अनुवाद पवैया जी ने बहुत बढ़िया अच्छा किया है, पढ़ते हैं हम आप लोग। शुद्ध बुद्ध चैतन्य पिंड शिव सुख संपत्ति अधिपति वंदन परम सिद्ध परमेष्ठि प्रभु को सादर सविनय करूं नमन परमागम के सार झुकाऊं शीश तुम्हें अंतर्यामी अष्ट कर्म क्षय करके अष्ट स्वगुण पाऊं त्रिभुवन नामी। देखिए मूल अकलंक देव का यह मंगलाचरण है, प्रारंभ करते हैं हम आप लोग। बहुत एकाग्रता के साथ इन श्लोकों को आप लोग पढ़ेंगे, इसका भावानुवाद भी हम आप लोग पढ़ेंगे, पहले संस्कृत का श्लोक हम आप लोग पढ़ेंगे, तत्काल इसका अर्थ भी हम आप लोग पढ़ेंगे, फिर इसकी जो बनी हुई कविता है, काव्य है, उसका भी हम आप लोग पाठ करेंगे, और फिर मंत्र के साथ हम आप लोग बीज मंत्र भी यहाँ समर्पित करेंगे। प्रथम श्लोक है, अनेकांतमय वस्तु व्यवस्था ज्ञानमय ज्ञान मूर्ति ऐसा स्वभाव भाव भगवान आत्मा, उसे इसमें नमस्कार किया है। चलिए पढ़ते हैं, प्रारंभ करते हैं। बोले आचार्य अकलंक देव की जय हो, बोलिए स्वरूप संबोधन स्तोत्र विधान की जय हो। मुक्ता मुक्तैक रूपो यः कर्म भी संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिर्नमामितम्। देखिए इसका सरल और सीधा बहुत सुंदर अर्थ है, जो कर्म से तथा सम्यक ज्ञान आदि से क्रमशः मुक्त और अमुक्त होता हुआ, कर्मों से मुक्त होता हुआ और सम्यक ज्ञान आदि गुणों से अमुक्त होता हुआ, सहित होता हुआ एक रूप है, उस अविनाशी ज्ञान मूर्ति परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। जो परमात्मा ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों से, राग द्वेष आदि भाव कर्मों से और नौ कर्मों यानी औदारिक आदि शरीरों से एवं उनके फल जन्म जरा मरण रूपी संसार से जो मुक्त है, किंतु केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत सुख अनंत वीर आदि गुणों से अमुक्त है, अविनाशी नित्य है तथा ज्ञान मूर्ति ज्ञानमय है, उस परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। थोड़ी साहित्यिक भाषा में भी विवेचन किया है, ग्रंथकार ने विरोधाभास अलंकार के साथ यह मंगलाचरण किया है, अरहंत सिद्ध परमात्मा मुक्त भी है और अमुक्त भी है। मुक्त किस अर्थ में है, क-
कर्मों से मुक्त है, और अमुक्त किस अर्थ में है, स्वयं के अपने ज्ञान आदि गुणों से अमुक्त हैं। विरोध का परिहार करते हुए संकेत किया है कि वे कर्मों से मुक्त है और ज्ञान आदि गुणों से अमुक्त हैं। अभी तो आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं ये मुक्त और अमुक्त आदि बोलों में क्या रहस्य है। स्वाध्याय में इसकी विशेष चर्चा हम आप लोग करेंगे। साहित्यिक पुट के साथ साथ अनेकांत में दार्शनिक विवेचन इन श्लोकों की बहुत बड़ी भारी विशेषता है। इसकी चर्चा हम आप लोग यथा योग्य समय पे करेंगे। देखिए इसके ऊपर एक बहुत सुंदर मंत्र बनाया गया है और मंत्र के साथ साथ बीज मंत्र भी दिया गया है। पहला हम आप लोग उसका पाठ करते हैं। ओम रीम श्री ज्ञान मूर्ति निज स्वरूपाय नमः। आंखें बंद करके सभी लोग ध्यान की मुद्रा में आइए। तीन बार हम आप लोग इस प्रथम बीज मंत्र का पाठ करेंगे। अक्षय परमात्म स्वरूपो अहम्। अक्षय परमात्म स्वरूपो अहम्। अक्षय परमात्म स्वरूपो अहम्। चलिए इस प्रथम श्लोक का भावानुवाद हम आप लोग पढ़ते हैं। कर्मों से जो सदा मुक्त है, पूर्ण ज्ञान से सदा अमुक्त, उस अविनाशी ज्ञान मूर्ति प्रभु को वंदन है। विनय सुयुक्त द्रव्य भावनो कर्म जन्य, संसार भ्रमण से जो है मुक्त, दर्शन ज्ञान अनंत वीर्य सुख आदि गुणों से सदा अमुक्त। पढ़ स्वरूप संबोधन स्वामी, आत्मज्ञान वैभव पाऊं, प्राप्त अनंत चतुष्टय करने निज स्वरूप को ही ध्याऊं। निष्कलंक अकलंक देव ने रचा स्वरूप संबोधन शास्त्र, कर्म शत्रुओं को क्षय करने दिया ज्ञानियों को ब्रह्मास्त्र। दिया ज्ञानियों को ब्रह्मास्त्र। ओम रीम श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जिनागमाय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इस प्रकार हम आप लोगों ने विधान के प्रथम दिन मंगलाचरण पीठिका और समुच्चय पूजा के साथ यह प्रथम श्लोक, उसका भावानुवाद, बीज मंत्र आदि के माध्यम से हम आप लोगों ने यहाँ मंगलमय अर्घ भी समर्पित किए हैं। अब आगे हम आप लोग जो अन्य कारिकाएँ अन्य श्लोक हैं इनका स्वाध्याय यथाक्रम कल से हम आप लोग करेंगे। चलिए अब हम आप इस विधान के अंतिम पड़ाव पे पहुँचे हैं, अंतिम महाअर्घ। प्रतिदिन हम आप लोग यह अंतिम महाअर्घ समर्पित करेंगे, लेकिन जो अंतिम महाजयमाला है ये अष्टानिका के अंतिम दिन हम आप लोग समर्पित करेंगे। चलिए अर्घ लेंगे आप लोग और अंतिम महाअर्घ हम आप लोग प्रस्तुत करते हैं। महाआपदा पूर्ण कर्म ज्वाला में जलता आया हूँ, इस संसार मरुस्थल में ही मैं सदैव भरमाया हूँ। सब प्रकार से एकाकी हूँ कि ये कर्म फल का भोगता, चारों गति में तन धारण कर पुण्य पाप बंद करता हूँ। पर को बना निमित्त सदा ही बंधन से होता हूँ युक्त, कोई साथ नहीं देता है मैं एकाकी निज से युक्त। बहु प्रकार के पापों द्वारा धन उपार्जन करता हूँ, उसे भोगने का इच्छुक हो
फल में भव दुख भरता हूँ, जन्म मरण करते करते मैं अब तो ऊब गया स्वामी। कोई ऐसा मार्ग बता दो, निज हित कर लूं सुखदामी। तीर्थंकर की वाणी से भी तो कल्याण नहीं होता। जब तक उपादान ना जागे भव से त्राण नहीं होता। पर पदार्थ की उपाधि से ही अब तक दूषित हूँ स्वामी। निज समाधि पाई न आज तक, दुख पाया अंतर्यामी। कोई सद्गुरु आकर इन नयनों में ज्ञानांजन आंजे। बड़े जतन से मोह भगाए, मेरे तन मन को मांजे। मोह चक्र जय हो जाए तो काल चक्र भी प्रभु जय हो। धर्म चक्र का आश्रय हो तो सिद्ध चक्र भी निर्भय हो। यह स्वरूप संबोधन सुनकर जागी है मेरी आत्मा। शुद्धात्मा का आश्रय लेकर हो जाऊंगा परमात्मा, हो जाऊंगा परमात्मा। ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जिनागमाय महार्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। चलिए अब इसके बाद हम आप लोग इसी प्रकार इस महार्घ को प्रतिदिन लेंगे और इस महार्घ के बाद देवशास्त्र गुरु आदि जो अपने परम आराध्य हैं उन सब के लिए हम आप लोग अर्घ्यावली समर्पित करते हैं। देवशास्त्र गुरु के लिए अर्घ्य समर्पित करते हैं। बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता। अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, प्रभु है अनर्घ्य मेरी माया। बहुमूल्य द्रव्य माया अर्घ्य लिए अर्पण के है तू चला। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। महाअर्घ्य। मैं देव श्री अरहंत पूजो, सिद्ध पूजो चावसो। आचार्य श्री उवझाय पूजो, साधु पूजो भावसो। अरहंत भाषित वैन पूजो, द्वादशांग रची गनी। पूजो दिगंबर गुरु चरण शिव, हेत सब आशाहनी। सर्वज्ञ भाषित धर्म दश विधि दया, मैं पूजूं सदा। जजि भावना षोडश रत्न त्रय, जा बिना शिव नहीं कदा। त्रैलोक्य के कृत्रिम अकृत्रिम, चैत्य चैत्यालय जजो। पंचमेरु नंदीश्वर जिनालय, खचार सुर पूजित भजू। कैलाश श्री सम्मेद गिर गिर नार, मैं पूजू सदा। चंपापुरी पावापुरी, पुनियोर तीर्थ शर्मदा। चौबीस श्री जिन राज पूजो, बीस क्षेत्र विदेह के। नामावली सहस वसु जय, होय पति शिव गेह के, होय पति शिव गेह के।
जलगंधाक्षत पुष्प चरु दीप धूप फल लाय सर्व पूज्य पद पूजम बहुविधि भक्ति बढ़ाय ओम रीम श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो द्वादशांग जिनवाणिभ्यो उत्तम क्षमादि दशलक्षण धर्माय दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणेभ्यो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो त्रिलोक संबंधी कृत्रिम कृत्रिम जिन चैत्यालयेभ्यो पंचमेरो असीति चैत्यालयेभ्यो नंदीश्वर द्वीपस्थ द्वीपंचाशत जिनालयेभ्यो श्री सम्मेत शिखर गिरनार गिरी कैलाशगिरी चंपापुर पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो अतिशय क्षेत्रेभ्यो विदेह क्षेत्रस्थ सीमंधरादि विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो ऋषभादि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो भगवज्जिन सहस्राष्ट नामेभ्योश्च अनर्घ्य पद प्राप्तये महार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चक्री करे हम सारी खेल लघु पुरुष कैसे यथा विधि आशा भरन जिन पूजा सही यह चित में श्रद्धानु मेरे शक्ति है स्वयं में ही तुम सारी खेदातार पाए काज लघु जाचू कहाँ मुझ आप सम कर ले हु स्वामी यही एक वांछा महा। संसार भीषण विपिन में वसु कर्म मिल आता पियो तिस दाह तया कुलित चिर तय शांति थन शिव लहूं तब लो देह यह नर पावना सत्संग सुता चरण सुत अभ्यास आत्म भावना तुम बिन अनंतानंत काल गयो रुलत जग जाल में अब शरण आयो नाथ युग कर जोर नावत भाल में अब शरण आयो नाथ युग कर जोर नावत भाल में कर प्रमाण के मानते गगन न पैकी भंत त्यों पावे नहीं अंत।
विसर्जन पाठ। जो कुछ जैसी बन पड़ी अपनी शक्ति प्रमाण, अपनी शक्ति प्रमाण, हमने पूजन की प्रभु अपनी भक्ति प्रमाण, अपनी भक्ति प्रमाण, हमने जाना जो प्रभु जिन वाणी का मर, जिन वाणी का मर्म, उसके ही अनुसार सब यह व्यवहारिक धर्म, यह व्यवहारिक धर्म, इसमें जो कुछ रही हो कमियां विविध प्रकार, कमियां विविध प्रकार, विधि के जानन हार जन इसमें करे सुधार, इसमें करे सुधार, इसमें करे सुधार। इति पुष्पांजलिं क्षिपे।